एक शौक जो जुनून बन गया और इस जुनून ने छीन ली एक परिवार की खुशियां, बुझा दिया एक परिवार का चिराग। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक ऐसी ही चौंकाने वाली खबर है जहां सेल्फी बन गई कालचक्र। सेल्फी के जानलेवा शौक ने छीन ली 10वीं में पढ़ने वाले छात्र की जिंदगी। ऐसी ही घटना मिर्जापुर से भी सामने आई है जहां सेल्फी के शौक ने 3 लोगों की जिंदगी छीन ली। शौक हद से गुजर जाए तो बन जाता है जुनून, और जुनून हद पार कर जाए तो बन जाता है जानलेवा। ऐसे ही जानलेवा जुनून ने बुझा दिया है एक परिवार का चिराग। सहारनपुर का रहने वाला 16 साल का जिंदा दिल कार्तिक, जिसे तस्वीरों का इतना शौक था कि वो हर लम्हे को, हर वक्त को तस्वीरों में कैद कर लेना चाहता था। लेकिन शुक्रवार को कार्तिक का यही शौक उस पर इस कदर भारी पड़ा कि सेल्फी का क्रेज उसके लिए काल बन गया। शुक्रवार को कार्तिक अपने दोस्तों के साथ चुनहेटी गाढ़ा रेलवे फाटक के पास से गुजर रहा था। उस वक्त फाटक बंद था, तभी ट्रेन को आते देख कार्तिक ने ट्रेन के साथ सेल्फी लेने का मन बनाया और रेलवे ट्रैक पर खड़ा हो गया। कार्तिक के दोस्तों के मुताबिक वो कार्तिक को जाने से रोकते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन कार्तिक नहीं माना और सेल्फी की जिद ने कार्तिक की जिंदगी छीन ली। पीछे से आ रही ट्रेन उसे काफी दूर तक घसीटते ले गई। कार्तिक के दोस्तों की हिम्मत तक नहीं हो पाई कि वो कार्तिक के शरीर के टुकड़ों को जमा कर सके। कार्तिक की मौत की खबर जैसे ही उसके परिवार में पहुंची, घर में मातम पसर गया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कैसे 16 साल का कार्तिक एक सेल्फी के चक्कर में याद बनकर रह गया। वैसे ये कोई नया मामला नहीं है, पहले भी सेल्फी के क्रेज ने कई लोगों की जिंदगियों को छीन लिया। ऐसे में ये मामले उन लोगों के लिए एक सबक भी है जो एक परफेक्ट पिक्चर के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं।